अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक फॉर द चैप्टर नंबर 6 इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको बताऊँ कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी भी मशीन की एफिशिएंसी के बारे में, तो किसी सिस्टम की एफिशिएंसी के बारे में, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँगी एक वाटर पम्प की। कि वाटर पम्प से हम जो है वो अपने वाटर जो है उसको पम्प करते हैं, और हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम अपने डोमेस्टिक यूज़ में लेके आते हैं। अब आप ये देखें कि आप उस पंप को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ इनपुट, और आप उस पानी से जो है आप उसको डोमेस्टिक यूज़ में लेके आ रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, डिश वॉशिंग है, आप क्लॉथ वॉशिंग है, या डिफरेंट पर्पजेज के लिए आप उसको यूज़ करें। तो क्या आप जितना इनपुट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो आपको उतना आउटपुट प्रोवाइड कर रही है मशीन, वाटर पम्प जो है, जितनी आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उतना वो आपको आउटपुट दे रहा है? दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ एफिशिएंट आ सिस्टम इज। कि एक सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो उसके आउटपुट पर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी कि डेफिनेशन में आपको बताती हूँ कि एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी के रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इज एट इनपुट। कि आप जितना उसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना वो आपको आउटपुट एज अ वर्क डन प्रोवाइड कर रही है, कोई सिस्टम आपको या मशीन आपको प्रोवाइड कर रही है, उन दोनों का रेशियो जो है वो एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट मशीन्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी कि इलेक्ट्रिक लैम्प जो है उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोवाइड कर रहा है। हीट तो नहीं चाहिए हमें, इसका मतलब है कि हमें रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, ओनली लाइट। टोटल एनर्जी तो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास जो उसकी एफिशिएंसी है इलेक्ट्रिक लैम्प की, वो जस्ट 5% एफिशिएंट है। वो 5 जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है, बाकी 95% जो है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, वो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है ही नहीं। इसी तरह से हमारे पास है 55% सोलर सेल जो है, जस्ट 3% जो है वो एनर्जी जो है वो आउटपुट वर्क डन जो हमें मिल रहा है वो 3% है उसका, और बाकी जो है वो जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100 जाउल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3 जाउल, जो हमारे पास सोलर सेल है। अच्छा, परसेंट एफिशिएंसी के लिए सेम ऐसे ही होगा कि परसेंट एफिशिएंसी इधर आ जाएगा परसेंट एफिशिएंसी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 100। तो किसी भी सिस्टम की हम परसेंट एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकती हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और, इसने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है वो है आइडियल सिस्टम। एक आइडियल सिस्टम वो होता है जिसमें हम जितना उसको हम इनपुट प्रोवाइड करें उतना ही वो हमें आउटपुट दे दे। मतलब अगर हम उसको 100 जाउल इनपुट दे रहे हैं तो वो हमें 100 जाउल आउटपुट दे दे, तो एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी, 100% एफिशिएंसी। इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज कॉल्ड एन आइडियल सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो हमें आउटपुट जो है वो इक्वल दे दे, टोटल एनर्जी जितनी वो यूज़ कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास 100% एफिशिएंट हो जाएगा, जिसको आइडियल सिस्टम कहते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते। सो दिस इज द एफिशिएंसी। आपने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद राइट करना है, और साथ में परसेंट एफिशिएंसी है और आइडियल